नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा जिले के अमहिया थाने से पुलिस की लापरवाही के चलते एक आरोपी फरार हो गया था। वहीं इस घटना को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की लापरवाही माना है। हालांकि इस मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आपको बता दें कि मंगलवार की दोपहर चोरी के मामले में एक आरोपी को पब्लिक ने सिरमौर चौराहे से पकड़कर अमहिया थाने को सूचना दी थी, जिसके बाद थाने से चौराहे में पहुंचे दो पुलिस कर्मियों ने आरोपी युवक को बाइक में बैठाकर थाने ले गए, जहां थाने ले जाकर उसको बैठाया। इस बीच आरोपी मौका पाते ही वहां से फरार हो गया। सूत्रों की माने तो आरोपी के ऊपर अपने ही मकान मालिक के घर में चोरी का आरोप था, जिसकी रिपोर्ट मकान मालिक ने थाने में दर्ज कराई थी। वहीं इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की लापरवाही की बात कही है। आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर को उनका क्या कुछ कहना है। ये आज़ाद नगर में एक किराए के मकान में दो पड़ोसी रहते हैं, जिसमें से अंतिका पटेल एक किराएदार थी। उसके घर से कुछ सामग्री चोरी चली गई थी। पड़ोस में जो किराएदार रहता था उसके यहाँ एक अशोक सोनी करके लड़का, उनका रिश्तेदार आया था, जिस पर ये बात की संदेह किया गया था। लड़का अपने अनाज नगर से चला गया था अपने रिश्तेदार के यहाँ से। उसको बुलवाया गया और बुलवा करके पूछताछ की जा रही थी, तो इससे भयभीत होकर लड़का भागा और सिरमौर चौराहे पे उन पीछा करते हुए लोगों ने उनके पकड़ करके पूछताछ कर रही थी। इसी की जानकारी जो है अमहिया थाने को किसी ने दी कि वहाँ मारपीट की जा, लड़के को पकड़ के मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस गई और वहाँ उसको उठा के ले आई थी। लड़का जो संदेही अशोक सोनी, वो लघु शंका की इच्छा जाहिर की और लघु शंका के बहाने वहाँ से चला गया। तब तक ये संज्ञान में नहीं था कि ये कोई चोरी का संदेही है। जब दूसरी पार्टी वहाँ पहुँची और उसने बताया कि ये चोरी का संदेही है, इसकी अपराध भी जो है सामान में पंजीबद्ध नहीं था। दूसरी पार्टी सामान में कल उसने अपराध भी पंजीबद्ध कराया गया है और सामान की एक पार्टी मनगमा रवाना हुई है संदेही को पकड़ने के लिए। उसको पकड़ करके पूछताछ की जाएगी। उस प्रकरण के संबंध में विवेचना भी जारी है।